नमस्कार दोस्तों, गुरु चेला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी गुरु प्रभात, और आज हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में सबसे पहला जो काल आता है हिंदी साहित्य का, वो आता है आदिकाल। हम हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटेंगे। हमने पहले जाना कि रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के आधार पर हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है, और चार भागों में सभी के मतों के आधार पर जो पहला काल आता है वो आता है आदिकाल। जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या रही है, ये 7वीं शताब्दी के आसपास से प्रारंभ होता है और ये 14वीं शताब्दी के आसपास तक, भक्ति काल के पहले तक रहता है। ये लगभग 700 ईसवी की बात करते हैं, इसमें 700 वर्षों के बीच के जो साहित्य था, साहित्य लेखन हो रहा था, हम उसकी चर्चा करते हैं। परंतु कुछ विद्वान हैं जो संवत 1050 से और संवत 1375 भी मानते हैं। यह भी लगभग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के बीच का जो साहित्य हमारा, जो हमारे हिंदी भाषा में लिखा गया, हम उस साहित्य की चर्चा करेंगे। ये दोनों ही बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, 7वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी, संवत 1050 और 1375। जो हिंदी का प्रारंभ था, वो हिंदी का जो प्रारंभ था वो आपका मिलता है 1000 ईस्वी के बाद से। हिंदी कब से मिलती है आपको? 1000 ईस्वी से। और जो दूसरा है ये आपका, ये 7वीं शताब्दी मतलब अपभ्रंश, जो अपभ्रंश है, हमने भाषा के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ। तो जो अपभ्रंश है वो लगभग 700 ईस्वी के आसपास में अपभ्रंश भी बोली जा रही थी। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के विकास की बात करते हैं, तो हम हिंदी और अपभ्रंश इन दोनों भाषाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब दोनों भाषाओं का जो साहित्य है उन दोनों की चर्चा करते हैं। और इसीलिए जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से प्रारंभ होता है, तो हमारा वो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाएगा। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, शुक्ल जी ने क्या किया है, जो उन्होंने रचनाएं मानी हैं, उन्होंने आदिकाल के कुल 11 ग्रंथों की चर्चा की। शेष जितना भी साहित्य था वो साहित्य उन्होंने कहा कि वो धर्म काव्य पर आधारित है, इसलिए उसको साहित्य से अलग कर दिया जाएगा या साहित्य में, हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया जाएगा, इसका खंडन भी किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खंडन किया। तो इस खंडन के बाद में अगर हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वह हम कब से पढ़ेंगे, 7वीं शताब्दी के बाद से जो इतिहास प्रारंभ हुआ, और 14वीं शताब्दी यानी भक्ति काल के जो पूर्व तक, भक्ति काल के पहले तक जो साहित्य रचा गया हम वहां तक की बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से साहित्य की चर्चा करी जाएगी हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम चार साहित्यों की चर्चा करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ और ग्रंथों की चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो आ जाता है आपका वो रासो काव्य परंपरा आ जाते हैं। जो रासो साहित्य होते हैं या रासो ग्रंथों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आपका ये हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो पहला आएगा, आदिकाल के अतिरिक्त जो रासो ग्रंथ हैं उनके अतिरिक्त जो दूसरा साहित्य था वो हम जैन काव्य पढ़ेंगे या जैन साहित्य पढ़ेंगे या जैन धर्म से जो संबंधित था जैन साहित्य हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या है कि जैन साहित्य, इसकी चर्चा करेंगे। जैन साहित्य के अतिरिक्त एक और साहित्य था जो धर्म काव्य ही था या धर्म पर आधारित था या अलग पंथ पर या अलग मार्ग पर, संप्रदाय पर आधारित था, वो था आपका सिद्ध साहित्य। जो सिद्धों का साहित्य था, जो सिद्धों के जो पुस्तकों की चर्चा की, उनके कवियों की चर्चा की जाती है, वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा आपका हो गया सिद्ध साहित्य। चौथा है नाथ साहित्य। जो नाथों की चर्चा की जाएगी वहां पे हम देखेंगे कि नाथ साहित्य है। ये जो चार साहित्य हैं आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा सिद्ध नाथ जैन, तीसरा और चौथा, इन सभी की चर्चा हम आदिकाल के अंतर्गत करेंगे। जो रासो काव्य परंपरा है यहाँ पे आएगा पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, वैसलदेव रासो, खुमार रासो, ये 5 ग्रंथ आएंगे कुल मिलाकर के परमाल रासो के साथ में। दूसरा जैन साहित्य, इसके अंतर्गत आएगा रास काव्य, जिसमें आएगा स्थूल भद्र रास,
और उसके बाद में भरदेश्वर बाहुबली रास, इस प्रकार से जितने भी रास ग्रंथ आएंगे वो जैन साहित्य के अंतर्गत आएंगे। रास ग्रंथ या रास ग्रंथों की जो परंपरा थी वो आएगी आपके जैन साहित्य के अंतर्गत। सिद्ध साहित्य, 84 सिद्धों की बात करी गई है, 84 सिद्धों की चर्चा की जाती है। उन 84 सिद्धों में सभी वर्ग के थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्गों के जो विद्वान थे, कवि थे, वो सभी वर्गों से सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या 84 है, इनकी अपनी अपनी रचनाएं हैं और अपने अपने मत हैं। इसके अतिरिक्त जब हम देखेंगे नाथ साहित्य, तो नाथ साहित्य में गोरखनाथ ने इस नाथ साहित्य का प्रारंभ किया था, और जो सिद्ध साहित्य था उसके पहले कवि थे सरहप्पा, और जो जैन साहित्य था उसके पहले कवि थे हमारे स्वयंभू। तो ये जो इतने कवि हैं, प्रारंभ हो गया, किसमें क्या क्या दिया गया है, इनके चर्चा हम विस्तार से करेंगे। परंतु यहाँ पे जानना आवश्यक था कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत रासो काव्य साहित्य, जैन काव्य साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सभी की चर्चा की जाएगी, इन सभी का समावेश किया जाएगा। और इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि सातवीं शताब्दी जो जैन साहित्य था वो सातवीं और आठवीं शताब्दी के आसपास का था। ये भी लगभग आठवीं और नवीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, ये भी नवीं और दसवीं शताब्दी के आसपास का साहित्य माना जाता है। ये जो साहित्य था, जो प्रारंभ था, जो रासो साहित्य है, ये रासो साहित्य 1000 के आसपास में माना जाता है, जिसमें पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई के माध्यम से, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। तो ये जो जितना भी काव्य साहित्य है, रासो काव्य से हम प्रारंभ करते हैं तो मानेंगे 1000 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ होता है। जब जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को सभी को हम आपस में जोड़ेंगे आदिकाल के अंतर्गत जब मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का आदिकाल सातवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। हम एक एक साहित्य की एक एक पुस्तक की चर्चा करेंगे, किसने लिखा है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन सी बातें की गई। इन साहित्य के अलावा कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे आपका ग्रंथ आ जाता है श्रावकाचार, अगला ग्रंथ आ जाता है संदेश रासक, यह भी हिंदी साहित्य में ही स्थान दिया गया। इन सभी की हम चर्चा अपने वीडियो में, अपने आदिकाल में करने वाले हैं। इस सभी साहित्य को जानने से पहले हमको सबसे पहले यह जान लेना होता है कि आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। आदिकाल जो था, आदिकाल सातवीं शताब्दी के आसपास से प्रारंभ हुआ। आदिकाल में सामंती प्रथा का उदय हो गया था। इस समय युद्धों का वर्णन किया जाता है, वीर और श्रृंगार काव्य की चर्चा की जाती है। जब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, सबसे पहली प्रवृत्ति होती है वीर और श्रृंगार की चर्चा। वीर और श्रृंगार, जो आदिकाल के जितने भी ग्रंथ हैं वो वीर और श्रृंगार से अनुप्राणित हैं। वीर और श्रृंगार की बात हो रही है, कहीं युद्धों का वर्णन हो रहा है, युद्धों का सजीव वर्णन हो रहा है, चाहे वो पृथ्वीराज रासों में हो, विशलदेव रासों में हो, परमाल रासों में भुजाओं फड़कने वाला जो ग्रंथ है, कि उसमें जो भी जितने आघा उद्दर के माध्यम से जितनी भी चर्चा है उसमें वीर काव्य कहीं ना कहीं जान पड़ता है। अब वीर काव्य है, इसी के आधार पर वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल कैसे होता था, युद्धों का सजीव वर्णन हो रहा था, साथ साथ में कहीं ना कहीं श्रृंगार भी व्याप्त था, श्रृंगार की भी चर्चा की जा रही थी। जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो श्रृंगार काव्य भी माने जाते हैं, और इसके अतिरिक्त संदेश रासक है, वह भी श्रृंगार काव्य ही माना जाता है, जो वियोग श्रृंगार है, एक पतिव्रता, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की जो वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, एक पथिक के माध्यम से जो संदेश भेजा जा रहा है, वह भी श्रृंगार की ही चर्चा करता है। तो जो आदिकाल था वहां पर आपका वीर और श्रृंगार दोनों का सम्मिलन हो रहा है, दोनों की बात हो रही है। तो वीरगाथा काल, हमने बताया आपको वीरगाथा काल उचित नामकरण नहीं था, और यहाँ पे वीर और श्रृंगार दोनों की चर्चा की जा रही थी, एक प्रवृत्ति हो गई। दूसरी प्रवृत्ति की जब हम चर्चा करेंगे तो यह जानेंगे इसके अंतर्गत डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हो रहा था, डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग। अब डिंगल और पिंगल भाषा, प से पिंगल होता है और प से ही होता है प्रेम, जो प्रेम होता है, प्रेम की भाषा कैसी होती है, मीठी। जब हम यहाँ इसके अंतर्गत मीठी भाषा की चर्चा करेंगे तो जो हमारी ब्रज है वो अत्यंत मीठी भाषा, अत्यंत रसदायक भाषा है।
इसीलिए भक्तिकाल से रीतिकाल तक लगभग 400 वर्षों तक एक छत्र राज करने वाली भाषा मानी जाती है। हम देखेंगे पिंगल साहित्य जो है वो किन किन भाषाओं का योग है। जो पिंगल भाषा है वो अपभ्रंश, और ब्रज का योग है। 700 ईस्वी के आसपास में अपभ्रंश भाषा का विकास हो रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसका ह्रास होता गया, और उसके बाद में हिंदी का प्रभाव वर्चस्व बढ़ा। इसीलिए अपभ्रंश का पराभव और हिंदी का उद्भव हो रहा था। तो जो उस समय की भाषा थी वो अपभ्रंश और ब्रज थी, जिसको पिंगल कहा जाता था। पिंगल के अतिरिक्त मतलब जहां श्रृंगार की बात हो रही थी वहां पे पिंगल भाषा का प्रयोग हो रहा था। जब हम डिंगल यानी वीर की बात करेंगे तो एक और भाषा का प्रयोग होगा जिसको कहेंगे डिंगल, और वो किसका किसका योग थी यह भी जान लेना आवश्यक है। वह योग थी अपभ्रंश और राजस्थानी का। तो यहां पे दो चीजें जानने को मिली हमें, वीरता और श्रृंगार की बात हो रही थी, दूसरा अब जो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रभाव था, डिंगल और पिंगल भाषा प्रयोग में लाई जा रही थी। इसके अतिरिक्त जो अगला पॉइंट है वो है सामंती प्रथा या सामंत काव्य का चर्चा। सामंती प्रथा का वर्णन, जब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सामंती प्रथा का भी वर्णन हो रहा था। सामंती प्रथा मतलब सामंती प्रथा रियासतें थी उनके बीच में जितनी जो काव्य लिखा जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव आ जाता है। अगला जो है चारण काव्य, चारण या भाट, जो कवि होते थे दरबारी कवि, युद्धों में साथ में जाते थे, युद्धों का सजीव वर्णन होता था, जो वहां पे जितने भी दृश्य होते थे उनकी चर्चा की जाती थी और उसको कहेंगे हम युद्धों का सजीव वर्णन। का सजीव वर्णन, सजीव वर्णन किस प्रकार सा सजीव वर्णन, जो धुनि निषाद बहुसाद इस प्रकार से जब चर्चा करी जाएगी तो वहां पे हाथी घोड़े और जितनी भी जो धूल उड़ रही थी, मतलब ऐसा था जो युद्ध का सजीव, जैसे सजीव ऐसा जब काव्य में वर्णित किया जाता था, जैसे एक चित्र हमारे दिमाग में एक बन जाता है कि वहां पे युद्ध का काल था, ऐसी भयावह स्थिति, ऐसा भीषण जो पराक्रम देखने को मिलता है वो इस तरह से वर्णित किया जा रहा था। क्योंकि जो कवि होता था वो युद्ध में राजा के साथ होता था, सेना के साथ होता था, तो उसका जो वर्णन था अत्यंत सजीव और मोहक लगता था, और जो काव्य था वो विशेष होता था, प्रभावी हो जाता था। तो ये जो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो आदिकाल के काव्य के बारे में बतलाती हैं कि काव्य आदिकाल का कैसा था, उसके अंदर क्या क्या वर्णित किया गया था। जब हम रासो काव्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, उससे पहले हमारा जान लेना यह भी आवश्यक हो जाता है कि आदिकाल जो था उसकी प्रवृत्तियां क्या थी, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो भारत में जो धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा था धीरे धीरे, उसमें जो बाह्य आक्रमण हो रहे थे, भारत जो था भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे धीरे धीरे, वहां पे सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, सामाजिक सभी स्थितियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था। तो इस प्रकार का परिवर्तन हमारे साहित्य में भी देखने को मिलता है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो उस समय का साहित्य था, ये जो एक पंक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, मतलब साहित्य जो होते हैं, जितना भी साहित्य लिखा जाता है वो समाज से पूरक स्थिति होता है। समाज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक होते हैं, एक दूसरे को समझने में, पढ़ने में मदद करते हैं। ये दोनों साहित्य समाज का दर्पण होता है, या साहित्य के माध्यम से समाज का जिक्र किया जा सकता है, और समाज के माध्यम से उस काल में लिखे गए साहित्य की चर्चा की जा सकती है। तो इसीलिए इन प्रवृत्तियों के बारे में जान करके हम यह जान सकते हैं कि उस समय जो साहित्य था, जो काव्य था, जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन पर क्या प्रभाव था, कौन कौन सी विशेषताएं उनकी मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि साहित्य आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, जैसे रासो काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं,
जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, उसके बाद जो प्रथम कवि था, प्रथम कवि की कौन कौन सी रचनाएं हैं, स्वयंभू, हेमचंद्र जो कवि थे इनके बारे में क्या क्या है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, किस सन से आदिकाल का प्रारंभ होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आदिकाल का जो और भी आगे का प्रारूप है, जिनमें हम ग्रंथों की चर्चा करेंगे, उसमें आने वाले साहित्य की चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। हमें जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।